हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जी, दिन है आज शनिवार और सुबह के बज गए 12:30। मेरा सारा काम हो चुका था और नहाने से पहले मैं गई थी इनके साथ डी मार्ट सुबह का सारा काम करने के बाद में, क्योंकि मुझे आज सब्जियां लेकर के आनी थी डी मार्ट से। और आप लोग पूछेंगे कि अब डी मार्ट में सब्जी भी मिलती है क्या, तो हाँ, पुणे में तो मिलती है, हैदराबाद में नहीं मिलती थी तो लाने का मतलब ही नहीं था। और यहाँ सब्जियाँ क्या होता है ना कि फ्रेश मिलती है, सुबह सुबह के टाइम पे जाओ तो सारी ही सब्जी रहती है। अगर थोड़ा देर कर दो ना तो फिर सब्जियाँ छट भी जाती है और जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा मिलती नहीं है। तो मैं अभी जो सब्जी लेके आई हूँ सारी मिल गई, लेकिन मूली उसमें से रह गई है। मूली मुझे आज नहीं मिली। और मिक्स सब्जी में ना मूली का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले की दो मूली रखी है तो मैं वही डाल दूंगी। अब पत्ते तो नहीं है, उसके बिना ही सब्जी बनेगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भगवान का प्रसाद अन्नकूट का, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी अभी जस्ट लेकर के आई हूँ और आंवला भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आंवला की लूंजी। मुझे जो है ना बहुत दिन से सोच रही थी बनाने की, और आज आंवला मिल गया तो मैं ले आई। 5-6 आंवला मैंने जो है ना अभी धो करके उबालने के लिए चढ़ा दिया है। और इतनी देर में अब मैं सारी सब्जियाँ कट कर लूँगी। कुछ सब्जियाँ मम्मी कट कर रही है, बाहर बालकनी में बैठी है धूप में। मुझे धूप सुहा नहीं रही थी एक्चुअली, धूप बहुत तेज़ होती है दोपहर के टाइम पे, और सुबह शाम की बस ठंड हो रही है, तो इस टाइम पे धूप नहीं सुहा रही थी। तो मैं यहीं किचन में ही बैठ गई थी। तो मैंने तोरी, लौकी, भिंडी, परवल, जितनी सब्जियां थी ना, गाजर, शिमला मिर्च, मीठा कुमड़ा जिसे सीताफल भी कहते हैं, वो सारी ही सब्जियां लेकर के आई हूँ। खाली भिंडी एक नहीं डालूंगी मिक्स सब्जी में, बाकी मैं सारी ही सब्जियां डालूंगी। तो सारी सब्जी कट कर ले रही हूँ। और कढ़ाई अभी मैं बड़ी वाली अभी ब्रेड बॉक्स में से निकालूंगी। दिवाली के बाद मैंने अंदर ब्रेड बॉक्स में ही धो के मांझ के रख दिया था। क्या हुआ था ना कि बाहर चीज़ें पड़ी रहती है ना, फिर गंदी होती है, रखने की उतनी जगह है नहीं। तो मैं इसी ब्रेड बॉक्स में ही अपनी कढ़ाई वढ़ाई, जो भी मेरे एक्स्ट्रा के बर्तन रहते हैं, सामने ही पड़े रहते हैं, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं आराम से निकाल लूँ, और इजी वे में मिल भी जाती हैं चीज़ें। तो बस मैं कढ़ाई निकाल रही हूँ, आंवला एक तरफ उबल रहे हैं, दूसरी तरफ मैं अभी चने की सब्जी बनाऊँगी, और इस कढ़ाई में जो है बड़ी वाली में मिक्स सब्जी जो है छोंक दूँगी। सब्जी ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है ना, तो मैं इसी कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। आराम से चलाने में भी सही रहता है और सब्जी बन भी जाती है। तेल, मिर्ची, मसाला, सभी चीज़ का अंदाज़ा भी अच्छी से आ जाता है। तो आज भगवान का भोग बना रही हूँ, और इस काम को करने में ना मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, सच बता रहे। कार्तिक के महीने में आप किसी भी दिन जो है ना अन्नकूट का प्रसाद कर सकते हैं। तो आज प्रसाद में बनेगी मिक्स सब्जी, आलू गोभी की सब्जी बनेगी, और आंवला बनेगा, पकौड़ी की कढ़ी बनेगी। अच्छा, एक सब्जी और है, चने की सब्जी है। तो सारी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, फटाफट आप लोग देख लीजिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ चने की सब्जी। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, भगवान का प्रसाद है तो बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा, एकदम सात्विक सा भोजन। लेकिन हाँ, इस दिन के भोग में, इस दिन का जो प्रसाद बनता है, इस दिन में स्वाद भी बहुत अलग सा ही होता है। गाइस, चने की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी बनी थी। भगवान का भोग लगने के बाद इतना यम्मी हुआ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस दिन का स्वाद ही जो है ना एकदम अलग होता है। तो ये देखिए, सूखी सब्जी बनाई है मैंने आज इसकी, नहीं तो मैं एक तरी वाली भी बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे सूखा ही बनाना था तो मैंने कोई ग्रेवी ये सब ऐड नहीं की थी। और खाना एक तरफ बन रहा है, सब्जियां बन रही है, 2-3 सब्जी बनानी थी तो वो बन चुकी है। और अब मैं पालक का आटा लगाऊंगी, पालक की कचौड़ी बनाने वाली हूँ उसके साथ में, और प्लेन रोटी बनेगी गेहूं के आटे की, कोई दूसरा आटा मिक्स नहीं करूँगी। ऐसे आजकल मैं जवारी का आटा या फिर रागी का आटा मिक्स करने लगी हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ना जवारी का आटा खाना चाहिए। उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ फिर कभी शेयर करूँगी कि मैं आटे में आजकल कौन सा आटा मिक्स करके उसकी रोटी चपाती जो है बनाती हूँ।
तो किचन में काम करते करते ना किचन फैल गया था और थैले में टमाटर ये सब भी रखा था, तो वो मैं निकाल के अभी धोने में जो है रख दी हूँ। धो लूँगी टमाटर और सारा किचन जो फैला था ना साइड से वो समेट दी हूँ। और बोरी में आपको दिख रहा होगा तो उसमें मैं बता दूँ गेहूँ चावल और दालें हैं जो कि अभी डब्बे ये सब में नहीं डाली हूँ। और गेहूँ अभी देखना भी है कि कोई कंकड़ वगैरह ना हो, चुनने के बाद ही पिसने के लिए देंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना 5 केजी वाली थैली आटे की लेकर के आए थे और 5 केजी गेहूं ले आए थे। दोनों ही कंपेयर करके देखते हैं कि खाने में कौन सा अच्छा है, किसकी रोटी अच्छी बनेगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस बार ना गेहूं फर्स्ट बार ही लेकर के आई हूं। और यहाँ देखिए सारा खाना बन गया है, तो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है। मूँग बन चुके हैं और मूँग चावल आज के दिन बनते हैं, तो मूँग भी मम्मी बनवाई है। और साथ में ये मिक्स सब्जी है, और उसके बाद में चावल है, फूल गोभी की सब्जी है, और साथ में काले चने की सब्जी है, आंवले की लूंजी है। मतलब जितना बन पाया भगवान को, जितना मेरे से बनवाना था वो बनवा लिए। चिप्स और पापड़ भी तल लिए हैं, और साथ में कचौड़ी बनाई है पालक की, और सादी प्लेन रोटी बनाई है। तो बस अभी मैंने सारा खाना ला करके कमरे में रख दिया है। और ये देखिए पकौड़ी की कढ़ी, तो सारा खाना भी ला के रखी हूँ। अब मम्मी भोग लगा देगी, उसके बाद हम लोग प्रसाद खाएंगे। तो अभी 3:30-4 का टाइम हो गया, बहुत टाइम किचन में लग गया। और जो भी हो लेकिन मज़ा बहुत आया आज, और इतना प्रसाद बना के मन को भी काफ़ी सुकून मिला है। मीठे में मैं सोन पापड़ी ले आई थी और मम्मी पूड़ा बनाई थी, तो ये बिना चाशनी वाला है, मतलब घोल में ही चीनी डाल दी थी। तो देखिए यहाँ मम्मी अब लगा रही है भगवान को भोग। तो प्रसाद खाने के लिए आप लोग भी सब आ जाइए। और लड्डू गोपाल को भोग लगा के आज बड़ा अच्छा लग रहा है, रोज ही लगता है लेकिन आज का दिन जो होता है काफ़ी स्पेशल होता है। तो भोग वोग लगाने के बाद, काम वाम हो जाने के बाद हम लोग आए हैं शाम का टाइम है अभी फ्रूट्स लेने के लिए। और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने लिए जैकेट लाने के लिए, क्योंकि अब ठंड बढ़ने लगी और मेरे पास जैकेट ये सब कुछ भी नहीं थी। तो मैं और ये हम दोनों ही आए, मम्मी और अयन दोनों घर पर हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं बाहर जाओ ना तो जैकेट वगैरह थोड़ी सी सर्दी लगती है, घर में उतना नहीं पता चलता है, लेकिन बाहर निकलो तो पता चलता है। तो इसी वजह से बस हम लोग आए हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।